हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक अफ शिब्रो। आपका स्वागत है मेरे इस नई वीडियो पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वीडियो स्क्रैच जैसा काइन मास्टर से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे फैक्टिस करता है। फैक्टिस वीडियो स्क्रैच से ही करता है, इसलिए उसका व्हाइट बोर्ड एनिमेशन हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज मैं हर रोज लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना काइन मास्टर ओपन करना होगा। देखिए, आप मिल रहा है आपको। ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, तो इस प्लस का आइकॉन पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको दो ऑप्शन भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है। दो ऑप्शन में से एम्प्टी प्रोजेक्ट को क्लिक करिएगा, और इसमें से आपको जो भी को प्रेस करना लेना है उसको ले लीजिएगा। मैं ये वाला चुन रहा हूँ। दोस्तों, अब आपको यहाँ से मीडिया में क्लिक करना है। देखिए, मीडिया मिल रहा है। मीडिया में क्लिक करने के बाद आपको अपना कोई सा भी फोटो ले लेना है। देखिए, मैं ले रहा हूँ, जैसे ये वाला। फिर इसे यहाँ से, नहीं दोस्तों, इसे डिलीट कर दीजिए। ऐसे नहीं लेना है, मुझे गलती हो गया। पहले मीडिया में जाना है अपना, देखिए। उसके बाद आपको बैकग्राउंड में जाना है। बैकग्राउंड आपको मिल रहा है, देखिए। उसके बाद आपको वाइट बैकग्राउंड को लेना है। वाइट बैकग्राउंड लेना है आपको, ये देखिए। फिर यहाँ से ऐसे ओके कर दीजिए, देखिए। फिर दोस्तों, आपको लेयर पे क्लिक करना है। देखिए, ये लेयर आ रहा है। उसके बाद आपको ये मीडिया पे क्लिक करना है। देखिए, मीडिया आ रहा है। उसके बाद आपको कोई सा भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं, देखिए, ये वाला ले रहा हूँ। फिर दोस्तों, इसमें से आपको इन एनिमेशन पे क्लिक करना है। देखिए, इन एनिमेशन आ रहा है। फिर आपको इसमें से, देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कौन सा लेना है। दोस्तों, इसमें से आपको ये वाइप डाउन लेना है। देखिए, आ रहा है। फिर ये ओके पे क्लिक कर दीजिए, देखिए। फिर आपको क्या करना होगा, लेयर पे फिर से क्लिक करिए। फिर मीडिया पे फिर से क्लिक करिए। फिर आपको फिर से ये एक तो फ़ोटो लेना है। देखिए, ये मिल रहा है आपको, ये देखिए, आप मिल रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इसे इरेजर, बैकग्राउंड इरेजर से इरेज करके कर सकते हैं। बैकग्राउंड इरेजर से आपको इरेज करना पड़ेगा। देखिए, इसे ले लेता हूँ मैं। दोस्तों, इसे आप कुछ यहाँ से घुमा लीजिए और यहाँ से बड़ा कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे रख लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए, आपको मिल रहा है की बना हुआ, इसे क्रोमा की बोलते हैं हम। तो इस पर प्रेस करिए। तो दोस्तों, अब इसको थोड़ा थोड़ा आगे करके आपको करना होगा। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। यहाँ पे ऐसे ही ऐसे करना है। दोस्तों, अब इसे आप यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए, मिल रहा है आपको। फिर देखिए अपना वीडियो, देखिए बन गया है। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों, अब आप कार्टून एनिमेशन, मतलब व्हाइट बोर्ड एनिमेशन ऐसे ही कर सकते हैं।
दोस्तों इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ मैं। देखिए पहले इस पर क्लिक करना होगा आपको। देखिए इस पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट वाला मिलेगा। देखिए ये आ रहा है फर्स्ट वाला, इस पर क्लिक कर दीजिए, यही वाला है। फिर ये शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करिए, देखिए आपको मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। अगर दोस्तों आपको एक्सपोर्ट स्पीड करने नहीं आता है तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में हो वीडियो का। तो इसे यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, उसे प्रेस कर दीजिए। फिर यहाँ से इसे स्किप कर दीजिए, देखिए स्किप आ रहा है। फिर देखिए ये हो रहा है स्पीड दोस्तों, ये हो गया। आप ऐसे ही करके व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक।